So welcome friends, in today's session of Business Regulatory Framework, we are currently discussing Unit 1, Sale of Goods Act. Let us have today's question on the screen. Today friends, we are going to discuss difference between sale and hire purchase agreement. In different way, they can ask you. These are the two ways in which they can ask you the question. They may change the words, distinguish between sale and hire purchase agreement, or they can ask you as state the difference between sale and hire purchase agreement. Means you are supposed to make the differences between two concepts. Before this, we have discussed sale and agreement to sale. Today, we are going to discuss what is the difference between sale and hire purchase agreement. There is a difference between the two concepts. So let us start our journey. First, we will try to understand in short what is sales. As we have already discussed what is sales in sales versus agreement to sale, just an overview. शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे सेल को, क्योंकि सेल हम ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं. सेल की डेफिनेशन पे फोकस करते हैं. पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड अ सेल. इट इज कॉल्ड अ सेल. सो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर मीन्स प्रॉपर्टी ओवर हियर मीन्स व्हाट सर? ओनरशिप. ओनरशिप सर सेलर से बायर को जब मिल जाए तब हम कह सकते हैं सर सेल हुआ. सिंपल है. एग्जाम्पल देख लेते हैं सर. लेट अस हैव वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट. शक्ति एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुक्ति टू बाय 300 बुक्स फ्रॉम मुक्ति बुक शॉप फॉर ₹6,000. पहले तो पार्टी समझना होगा सर. बाय मिस्टेक दोनों जगह बायर बायर लिख दिए, बट देयर इज अ सिचुएशन. शक्ति जो है सर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुक्ति टू बाय 300 बुक्स, यानी शक्ति बाय करना चाहती तो शक्ति बायर है और मुक्ति यहाँ सेलर है. बाय मिस्टेक बायर लिख दिया, लेकिन वो मुक्ति जो है सेलर. मुक्ति की एक बुक शॉप है और वहां से शक्ति जो है वो 300 बुक खरीदने की बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. अब ये सेल हुआ या एग्रीमेंट टू सेल हुआ सर? इट शेल अमाउंट टू अ सेल इफ मुक्ति अलाउड शक्ति टू टेक द डिलीवरी ऑफ द बुक्स. अगर दोनों एक तरीके से रेडी हो जाए, मीन्स जो ओनर है, ओनर कौन है सर? मुक्ति. बुक्स की शॉप किसकी है सर? मुक्ति की है, और मुक्ति बेचना चाहती है बुक्स. शक्ति खरीदना चाहती है बुक्स और ये बेचना चाहती है. जब तक मुक्ति रेडी नहीं है टू सेल द गुड्स, सेल इज नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी दोनों की कंसर्न जरूरी है, लेकिन पहले सेलर रेडी होना चाहिए टू प्रोवाइड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, इट अमाउंट्स टू सेल if the owner of the goods delivers the good, allows the buyer to take the delivery of goods, then only it will amount to sale. So that is all about sale. Aage ab samajhne ki koshish karenge what is hire purchase agreement. What is hire purchase agreement. Hire purchase agreement kya hai, thoda samajhne ki koshish karte hain. So a hire purchase agreement is an agreement under which the owner delivers his goods on hire basis to a person called hirer, and the hirer has the option to buy the goods by paying the agreed amount in specified installments. Hire purchase agreement kya hota hai sir? Ye ek to pehle to ye agreement hai, samjhota hai, tum samajh lo. इसके अंदर भी दो पार्टी है. एक तो ओनर होगा जिसे हम एग्जैक्टली हायर ही कहते हैं. हायर ही दूसरा शब्द भी है, लेकिन आप यहाँ पे ओनर समझ लीजिए इजी. यहाँ यूं समझ लीजिए सेलर. ओनर यहाँ पे सेलर ही है. चलिए, तो ओनर डिलीवर्स हिज गुड्स ऑन हायर बेसिस, यानी हायर बेसिस का मतलब क्या? भाड़े पे कोई चीज देने की बात हो, ऑन रेंट, ऑन हायर, इसे देने की बात हो रही है सर बायर को. बायर का यहाँ नाम क्या दिया गया सर? हायर. हायर परचेज एग्रीमेंट में पार्टीज के नाम आप ये यूज कर सकते हैं. एक हायरी थोड़ा विचित्र लगता है, इसलिए ओनर शब्द यूज किया मैंने. इसलिए ओनर मीन्स सेलर. सेलर गिव डिलीवर्स द गुड्स ऑन हायर बेसिस टू अ पर्सन कॉल्ड हायरर, एंड द हायरर हैज द ऑप्शन टू बाय द गुड्स बाय पेइंग द एग्रीड अमाउंट इन स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स. यानी खरीदनार के पास
बायर के पास, हायरर के पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गुड्स परचेज कर सकता है। कितनों ने ये ट्रांजेक्शन किया होगा, आप में से कितनों ने ये एग्रीमेंट किया होगा? आपने नहीं किया होगा तो हो सकता है कि आपने, आपके घर में किसी ने ये एग्रीमेंट का उपयोग किया हो। मान लीजिए घर पे किसी ने, मान लीजिए कि टू व्हीलर खरीदनी है, एक बाइक खरीदनी है, या कोई एक्टिवा जैसी मोपेड खरीदनी है, कोई भी एक टू व्हीलर खरीदनी है, ये समझ लीजिए आप। तो टू व्हीलर खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैश में परचेस करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर हो सकता है आप सोचेंगे भाई कैश तो है, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, वो कुछ नहीं सर, हायर परचेस एग्रीमेंट, सरल शब्दों में। ठीक है, जहाँ बायर के पास यानी कि हायरर के पास क्या ऑप्शन है सर, वो चीजें खरीद सकता है। वो चीज खरीद सकता है, कब खरीद सकता है? सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद। तो क्या सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद उसे बाइक मिलेगी यानी कि टू व्हीलर मिलेगी? नो सर, आप जैसे ही एग्रीमेंट करते हो, हायर परचेस एग्रीमेंट करते हो, तब आपको पोजेशन मिल जाएगा। आप जो टू व्हीलर लेना चाहते हैं, मैं बाइक पकड़ के चलता हूँ, बाइक जो आप खरीदना चाह रहे हैं, आपको उसका पोजेशन मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर कब्जा मिल जाएगा, आप वो चीज यूज करने लग जाएंगे, और आप उसका इंस्टॉलमेंट्स जो डिसाइड किया गया है मंथली, ईएमआई कहते हैं जिसे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई, वो ईएमआई आपको भरना पड़ेगा। तो वही आगे सिचुएशन है, द हायरर अंडर दिस एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे एवरी मंथ अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, एंड इफ ही पेस इन दैट वे फॉर एन एग्रीड नंबर ऑफ मंथ्स, द हायरर विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या होगा इस पे? मान लीजिए आपने बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदने के लिए आपके 12 इंस्टॉलमेंट्स फिक्स किए गए हैं। हर महीने मान लीजिए आपने 10,000 पे करने हैं, और 10,000 आप हर महीने पे करेंगे, 12 महीने तक पे करेंगे, तो आप 12 महीने जैसे ही आपने 12 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए हैं, द एग्रीड नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी एग्रीड नंबर ऑफ मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स वो आपने पे कर दिए हैं, वो 12 महीने के बाद आप उस चीज के ओनर बन जाओगे। जैसे ही आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। ओनर ऑफ द गुड्स विल ट्रांसफर द ओनरशिप इनटू द नेम ऑफ हायरर। तो हायरर को इसमें उसकी ओनरशिप मिलेगी। कब मिलेगी? जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। बट इफ द हायरर फेल्स टू पे एनी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, द ओनर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक अवे द गुड्स बिकॉज द ओनरशिप कंटिन्यूज टू रिमेन विद। सेल्स में आपको याद होगा, सेल्स में क्या था सर? सेल्स में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। द ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ गुड्स ट्रांसफर्स इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू द बायर। सेलर से बायर को तुरंत मिलती है सेल्स में, यानी फिर बायर उसका मालिक हो जाता है। हायर परचेस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं, 12 इंस्टॉलमेंट्स फिक्स किए गए हैं या 24 इंस्टॉलमेंट्स, जो भी फिक्स किए गए हैं, जैसे ही आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, आखिरी इंस्टॉलमेंट जब आप पे करते हो बाद में कंटिन्यूसली पेमेंट करने के बाद, जब आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट आता है, वो जब आप पे करते हो ना दोस्तों, तब जाके आपको ओनरशिप मिलती है। तब तक ओनरशिप किसकी? मान लीजिए 12 इंस्टॉलमेंट पे करने, तो 12 इंस्टॉलमेंट तक ओनरशिप किसकी? ओनरशिप ओनर की यानी कि सेलर की रहेगी। ठीक है, सेलर की ओनरशिप रहेगी तब तक, यानी सेलर ही मालिक है। भले उसका उपयोग बायर कर रहा है, हायरर कर रहा है, लेकिन ओनरशिप तो उसकी रहेगी सर, ओनरशिप तो उसकी ही रहेगी सर। कंप्लीट ये तो मेरी है। हाँ जी, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे आप पे करेंगे, वैसे ही आप ओनरशिप मिल जाएगी टू द बायर। बट इफ द हायरर फेल्स टू पे एनी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, अगर हायर ने मान लीजिए 12 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, और 6 इंस्टॉलमेंट पे किए, और 7वें इंस्टॉलमेंट से उसने इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दिया, तो क्या किया जाएगा? यानी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया सर, करार भंग किया उसने। हाँ सर, करार भंग किया, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया सर। हायर ने जो भाड़ा पे करना था, हायर चार्जेस जो पे करने थे, पे करना बंद कर दिया, 6 इंस्टॉलमेंट भरा, 7वां इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो अभी सिचुएशन में क्या किया जाए? सर, इस सिचुएशन में ओनर के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ओनर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर के पास ये ऑप्शन है, सेलर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो सेलर क्या करेगा सर? सेलर तो यही करेगा, ओनर तो यही करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो, कॉन्ट्रैक्ट का अंत ले आओ, उसको उसका एंड कर दो, और जो चीज़ आपने दी थी उसको यूज करने के लिए आप वापिस ले लो। ठीक है, सो द ओनरशिप कंटिन्यूज टू रिमेन विथ हिम।
ऐसा क्यों कर सकता है ओनर, ऐसे टर्मिनेट क्यों कर सकता है इन बिटवीन, जब बायर ने यानी कि हायरर ने कुछ गलती की हो, यानी उसे तो पेमेंट करना चाहिए था, पेमेंट नहीं कर रही हो, फॉल्ट किया है, तो वो फॉल्ट करता है तो ओनर क्या करेगा सर, अपने अधिकार का उपयोग करेगा, ही हैज अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, द ओनर हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स बैक, माल का कब्जा वो वापिस प्राप्त कर सकता है, ओनरशिप तो उसकी ही है, इसीलिए वो ऐसा कर सकता है, उसके उसकी ओनरशिप है, उसीलिए तो वो टर्मिनेट कर सकता है। चलिए तो ये हो गया हायर परचेस एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब शॉर्ट में समझते हैं द हायर हैज टू ऑप्शन, यहाँ पे पर्टिकुलरली हायर के पास क्या ऑप्शन है, क्या सेलर के पास ही ऑप्शन है टर्मिनेट करने के लिए? टर्मिनेशन करने का ऑप्शन सिर्फ सेलर के पास है, ओनर के पास है? सर बायर के पास भी दो ऑप्शन है, वो चाहे तो अपनी थोड़ी सी मनमानी कर सकता है, क्या मनमानी कर सकता है देख लेते हैं। ही मे बाय द गुड्स आफ्टर पेइंग ऑल द एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स। नॉर्मली जब आप कोई बाइक वगैरह खरीदते हैं टू व्हीलर्स, तो आपको शुरू में ही पूछ लिया जाता है, और नॉर्मली खरीदने होते हैं ना, ये आप अल्टीमेटली पहले से डिसाइड कर लेते हो दैट यू आर सपोज टू हैव द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, यानी आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे और आपको बाद में वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द बाइक, वैसे नॉर्मली शुरुआत में ही फिक्स कर दिया जाता है, हफ्ते थी लेवानु छे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेना है या पहले इस हफ्ते पे लेना है, तो ही मे, उसके पास वैसे ऑप्शन है, ही मे बाय द गुड्स, ये ऑप्शन है उसके पास, ये सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद जो फिक्स किए गए हैं, ही कैन बाय द गुड्स, ये पहला ऑप्शन है उसके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये भी है उसके पास, ही मे रिटर्न द गुड्स एट एनी टाइम, बीच में अगर उसे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न कर देनी है, तो ये भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ही कैन परचेज द गुड्स, दूसरा ऑप्शन है ही कैन रिटर्न द गुड्स। इन केस ही डिसाइड्स टू रिटर्न द गुड्स, ही शैल नॉट बी लायबल फॉर फर्दर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इन केस ही डिसाइड्स टू रिटर्न द गुड्स, ही शैल नॉट बी लायबल फॉर फर्दर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर वो रिटर्न कर देता है तो उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। द अमाउंट ऑलरेडी पेड इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस फॉर द यूज ऑफ गुड्स। गुड्स रिटर्न करने हैं, आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन रिटर्न करने के लिए क्या होगा सर, रिटर्न आप तब कर पाएंगे जब आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे होंगे, आपको कोई दुविधा हो गई होगी, यू आर नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, आप रिटर्न कब करने की कोशिश करोगे? नॉर्मली यही सिचुएशन होती है कि आपके पास पैसे नहीं हो, मनी क्राइसिस हो गया हो, फिनेंशियल क्राइसिस हो गया हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे सर, आप चीज़ को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स। मान लीजिए 12 इंस्टॉलमेंट्स पे करने थे, आपने 4 इंस्टॉलमेंट पे किए, तो बाकी के 8 इंस्टॉलमेंट आप पे करने की पोजिशन में नहीं होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है देन वाई यू मे डिसाइड कि चलिए भाई पैसे तो रिटर्न कर दो, आप रिटर्न नहीं करोगे तो सामने वाला खुद आके ले जाएगा, वैसे भी आप इंस्टॉलमेंट्स भरना पे कर दोगे तो आपका थोड़ा टाइम दिया जाएगा, तो भाई 1 महीना 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, अगर आप वो नहीं पे कर पा रहे हैं 2 महीना 3 महीने तक, तो फिर आपके पास से उसकी पोजिशन ले ली जाएगी, और अगर आपने गुड्स रिटर्न किए तो फ्यूचर में एज अ बायर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, उसके बाद आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करने, बल्कि आपने जो 4 हफ्ते भी भरे ना वो क्या माना जाएगा सर, आपने जो 4 महीने जो चीज यूज की है ना उसका भाड़ा मान लिया जाएगा। द हायर चार्जेस पेड बाय द बायर विल बी ट्रीटेड एज द यूज ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रीटेड दैट द हायर चार्ज, जो भी भाड़ा आपने पे किया है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे किया है, उसको भाड़ा समझ लिया जाएगा। आपने 4 महीने तक वो चीज़ यूज की तो आपको भाड़ा, आपने जो भी इंस्टॉलमेंट पे किया है उसको भाड़ा समझ लिया जाएगा, दैट इज हायर चार्जेस। तो ये दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ही कैन बाय द गुड्स, दूसरा ऑप्शन है अगर बाय नहीं करना ही कैन रिटर्न द गुड्स, यूज करने के बाद भी रिटर्न हो सकता है, जो समय दिया गया हो उस समय के लिए आपने यूज किया है वैसा भी ऑप्शन है, यूज करने के बाद आपको खरीदना नहीं हो रिटर्न करना हो तो भी आप कर सकते हो, रिटर्न करोगे तो वो डिपेंड करता है कि आपको खरीदना ही नहीं है, अगर बीच में आप इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दो तो की सिचुएशन है, या हो सकता है आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद रिटर्न करने की बात नहीं करोगे, ठीक है? तो अब ये डिपेंड करता है कि जब आपने ये एग्रीमेंट किया है उसी वक्त आपने डिसाइड कर लेना है कि आप ये खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ आप इसको यूज ही करना चाहते हो तो यूज कर लीजिए, और 2 महीना 3 महीना 4 महीना यूज करना चाहते हैं तो 4 महीना यूज करने के बाद अगर आपके पास स्टार्टिंग में भी ऑप्शन है
क्लोजिंग में भी ऑप्शन है, तो आप डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप यूज करते हैं। अगर बाइक खरीदना है तो नॉर्मली शुरुआत में डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई आपने ये खरीदना ही, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जो आपने परमानेंटली खरीदनी नहीं है, आप चाहोगे 2 महीने के लिए यूज करना है, 3 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, फिर रिटर्न कर देना है, मुझे परमानेंटली खरीदना नहीं है अपने पास, तो वो सुविधा भी हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर है। ऐसा नहीं कि आपने कंपलसरी परचेज ही करना है, आप वो चीज को यूज करने के बाद रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न भी कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, सेल और हायर परचेस एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, मीनिंग लेते हैं सबसे पहले शॉर्ट में। वैसे तो हम आगे बहुत बार समझ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, अभी डिटेल में समझ चुके हैं। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी उसको समझ में नहीं आता है, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे ओनरशिप और दूसरा नाम है टाइटल, ठीक है, मालिकी की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड अ सेल, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप पे फोकस किया जा रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी सेलर से बायर को ओनरशिप मिलनी चाहिए तभी सेल्स हुआ है। मेन पॉइंट ओनरशिप है, मालिक की फेर बदली होनी चाहिए, फिर भले गुड्स का पोजेशन मिला हो या न मिला हो, इमटीरियल है, फिर प्राइस पे की है बायर ने या नहीं पे की है, इमटीरियल है, चलेगा, अभी नहीं किए बाद में करेगा, पोजेशन अभी नहीं मिला बाद में मिल जाएगा, लेकिन मेन चीज क्या है सर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए। हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या है सर, हायर परचेस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच द ओनर डिलीवर्स हिज गुड्स ऑन हायर बेसिस टू अ पर्सन कॉल्ड हायरर फॉर हिज यूज एंड ही हैज द ऑप्शन टू परचेज द गुड्स बाय पेइंग द एग्रीड अमाउंट इन स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ बायर के पास यानी कि हायरर यानी बायर हायरर के पास ये ऑप्शन है कि वो माल का उपयोग कर सकता है, यू कैन यूज द गुड्स, यूज करने के बाद वो उसके पास दो ऑप्शन है, एक वो परचेस कर सकता है, परचेस नहीं करना है तो वो रिटर्न कर सकता है, तो ये दो ऑप्शन किसके पास है सर, बायर के पास है। यहाँ ये एक अरेंजमेंट है कि आप तगड़ी रकम नहीं निकालना चाह रहे, मान लीजिए कि भाई एक साथ में मैं 80,000 1,00,000 नहीं पे करना चाहता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हायर परचेस एग्रीमेंट का, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने सारी अमाउंट एक साथ में भरनी, 80,000 1,00,000 साथ में नहीं देने, इंस्टॉलमेंट्स में पे करने, 5,000 7,000 8,000 जो भी इंस्टॉलमेंट पे करने का डिसाइड किया गया, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप 5,000 6,000 इंस्टॉलमेंट पे करिए हर महीने और आप गाड़ी के मालिक भी हो गए, यानी मालिक मीन्स आप यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज, खाली थोड़ी सी रकम पे करी, इंस्टॉलमेंट पे किया और आप गाड़ी यूज करते हो गए, आपको पोजेशन मिल जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप, दो अलग अलग चीज है, पोजेशन यानी माल के ऊपर कब्जा, आपने एग्रीमेंट हायर परचेस एग्रीमेंट की तो आपको पोजेशन मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ओनरशिप नहीं मिलेगी ऑन द स्पॉट, ओनरशिप कब मिलेगी, जब आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे। चलिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है सर, इट मे बी मेड आइदर ओरली और इन राइटिंग, ओरली हो सकती है या राइटिंग में हो सकती है, सेल्स दो ऑप्शन है, हायर परचेस एग्रीमेंट राइटिंग में ही होती है क्योंकि इसमें सिग्नेचर वगैरह बहुत सारी सिग्नेचर वगैरह लेनी पड़ेगी, लोन एक तरीके से लोन वाला पॉइंट हो जाता है, आप लोन ले रहे हैं एक तरीके से तो वो लोन के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी करनी पड़ेगी, तो ये राइटिंग में होता है, 100% राइटिंग में ही होता है। ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तुरंत ट्रांसफर होगा, एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज, सेलर से बायर की तरफ ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होगा सेल्स के अंदर, जबकि हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या होगा, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर ओनली वेन ऑल द एग्रीड नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर पे, सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे बाद में आपको ओनरशिप मिलेगी हायर परचेस एग्रीमेंट में, यहाँ इंस्टॉलमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे फिर ही ओनरशिप मिलेगी, फिर वो 2 इंस्टॉलमेंट हो 10 इंस्टॉलमेंट हो 12 हो 24 हो, जितने इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड किए गए एग्रीमेंट करते वक्त। राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, द बायर हैज नो ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, यहाँ जो बायर है
उसके पास अधिकार ही नहीं, कोई भी चीज का क्या अधिकार नहीं। पहला अधिकार ये है कि भाई क्या वो चीज रिटर्न करना चाहे तो कर सकता है, नहीं सर। नॉर्मली किसी किसी शॉप पे लिखा भी होता है कि गुड्स वन परचेस विल नॉट बी टेकन रिटर्न, तो ज्यादातर यही ऑप्शन होता है कि आपने जो चीज खरीदी है आपने सोच समझ के देख के खरीदी है, फिर रिटर्न की बात कहाँ से आती है। तो नॉर्मली बायर हैज नो ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कुछ जगह पे रिटर्न लिए जाते हैं, लेकिन रूल मना करता है द बायर हैज नो ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, दैट इज ही हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, ही इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड टू पे द प्राइस ऑल्सो, एंड टू पे द प्राइस ऑल्सो। सो उसके पास टर्मिनेशन का राइट नहीं है, उसके पास गुड्स रिटर्न करने का राइट नहीं है, और अल्टीमेटली उसे चीज खरीदनी पड़ेगी, डिलीवरी लेना पड़ेगा। अगर वो डिलीवरी नहीं लेता है फिर भी पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमने आगे पढ़ा था, ठीक है। ही हैज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड ही इज सपोज टू पे द प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या है सर? हायर, हायर यानी बायर। यहाँ हायर कौन है? बायर है। यहाँ बायर के पास कोई राइट्स नहीं, समझ लीजिए यहाँ बायर के पास राइट्स है। बायर यानी कि हायरर हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी स्टेज, जब चाहे तब एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। 12 इंस्टॉलमेंट पे करने, 2 इंस्टॉलमेंट पे करके बैठ गया, 5 इंस्टॉलमेंट पे करके बैठ गया, तो ऐसे नहीं है भाई। सो ही मे टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी स्टेज, उसकी कुछ रीजन टर्मिनेशन की कुछ वजह रही होगी, पहले नौकरी करते थे अभी नौकरी चली गई है तो पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं, कहाँ से पे करूँ, ये सिचुएशन हो सकती। देयर मे बी एनी रीजन, और कुछ कुछ तो रीजन के बिना भी इंस्टॉलमेंट्स पे करने का नहीं करते हैं। जो आपके क्रेडिट क्रेडिट की जो आपकी आपकी जो क्रेडिट है मार्केट के अंदर सर, वो स्पॉइल होगी, योर रेपुटेशन विल बी स्पॉइल्ड इफ यू स्टॉप पेइंग ईएमआईज, और आपकी क्रेडिट रैंकिंग भी डाउन हो जाएगी। फ्यूचर में आपको लोन लेनी होगी तो लोन भी नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना जरूरी है। ही मे और मे नॉट बाय द गुड्स, वो चाहे तो गुड्स खरीद सकता है जब सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए हो तो, और वो चाहे तो नहीं खरीदना चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है, रिटर्न करना हो तो। हमने पढ़ा ही मे आइदर परचेज द गुड्स और ही मे रिटर्न द गुड्स, ये ऑप्शन भी है उसके पास। ऑन टर्मिनेशन द हायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, अगर आप टर्मिनेशन करते हैं बीच में से एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाला जा सकता कि आपने बाकी के इंस्टॉलमेंट्स तो पे करने ही पड़ेंगे, भले आप हमें चीज वापस दे रहे हो, आप एग्रीमेंट टर्मिनेट कर रहे हो, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता इन केस ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। राइट्स, यहाँ पे भी राइट्स, यहाँ पे भी राइट्स, चलिए ठीक है। ये राइट टू बायर है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी बायर के राइट की बात हो रही है, यहाँ मेरा शायद सुधारना रह गया है पॉइंट। राइट टू टर्मिनेशन, आप यहाँ पे जो राइट है राइट टू टर्मिनेशन करके हेडिंग देख सकते हैं, ठीक है। राइट टू टर्मिनेशन, करार का अंत लाने का अधिकार, ठीक है। यहाँ राइट राइट टू रीसेल हम लिख सकते हैं, राइट टू रीसेल हेडिंग लिखना हो तो। चलिए देखते हैं क्या है सर। द बायर बिकम्स द ओनर एंड गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ एन ओनर सच एज राइट टू रीसेल और राइट टू प्लेस द गुड्स, यहाँ बायर को सारे अधिकार मिलेंगे। क्योंकि क्यों मिलेंगे सर? क्योंकि वो ओनर है, ओनरशिप तो उसको तुरंत मिल जाती है, तो वो चाहे तो इसी चीज को रीसेल कर सकता है, इसी चीज को प्लेस करके अगर लोन लेना चाहे लोन ले सकता है, उसके पास ये सारे अधिकार प्राप्त तो उसको मिलते हैं ये सारे अधिकार। सो बायर एंजॉयज ऑल द राइट्स एज एन ओनर एंजॉयज, क्योंकि वो ओनर है तो ओनर को जितने भी राइट, वो सेल करना चाहे सेल का, रीसेल करना चाहे प्लेस करना चाहे, ठीक है, गुड्स क्रेडिट पे देना चाहे, जिस तरीके के राइट्स एक ओनर को मिलते हैं सारे राइट्स बायर को मिलेंगे इन केस ऑफ सेल्स। हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या होगा सर? द हायरर मीन्स द बायर डज नॉट बिकम द ओनर, वो ओनर है ही नहीं, हिज पोजिशन इज ऑफ बेली, वो सिर्फ बेली है, उसे चीज संभाल के यूज भी करनी तो संभाल के यूज करनी, कोई नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, माल को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी चीज दी गई है एग्रीमेंट में उन चीजों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से उसको उपयोग करना है। अगर संभालने के दिया हो तो संभालना, यहाँ संभालने की बात नहीं होगी। हायर परचेज एग्रीमेंट में आप भाड़ा दे रहे हैं तो आप उसको उपयोगी करने वाले हैं, जैसे गाड़ी भाड़े पे रहना, हॉल भाड़े पे लेना, ठीक है,
भाड़ा दे रहे हैं आप, तो भाड़ा देंगे तो आप उसका यूज करने ही वाले हैं। सो ही बिकम्स द ओनर ओनली व्हेन ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एंड ही शुड बी रेडी टू बाय द गुड्स। सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद वो उसका मालिक तब बनेगा जब सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। गुड टाइटल, अच्छा मालिकी हक कब मिलेगा, किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बात बनती है। गुड टाइटल, सिंस बायर इज द ओनर ही कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द थर्ड पार्टी। बायर ओनर है तो बायर अगर ओनर है तो बायर कैन ट्रांसफर द गुड टाइटल ऑफ ओनरशिप टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को जब माल बेचना है, बायर बेच सकता है क्योंकि वो ओनर है, लेकिन साथ साथ में वो उसके एक ओनरशिप जो दे रहा है वो अच्छी ओनरशिप दे रहा है। ओनर अगर माल बेचेगा तो सामने वाले को गुड टाइटल ही मिलने वाला है। अगर ओनर माल नहीं बेचेगा, कोई और व्यक्ति आपका माल बेच देगा, तो वहाँ डिफेक्टिव टाइटल मिलेगा, वो अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा सामने वाले को। थर्ड पार्टी फिर आगे माल नहीं बेच पाएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। सो व्हेन इन केस ऑफ सेल इफ बायर इज सेलिंग द गुड्स एज ही इज द ओनर ही इज ट्रांसफरिंग अ गुड टाइटल टू द अदर पर्सन। थर्ड पार्टी को गुड टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है, टाइटल का मतलब ओनरशिप। हायरर कैन नॉट ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर यही बाइक थर्ड पार्टी को बेचने की कोशिश करता है हायरर के पास तो पहले तो ये अधिकार ही नहीं, ही हैज नो राइट टू रीसेल द गुड्स। हमने ऊपर पढ़ा, वो चीज बेच ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बेच सकता, वो मालिक ही नहीं है, कैसे बेचेगा। उसे तो यूज करने के लिए वो चीज दी गई है, ही इज ओनली हैविंग द राइट टू यूज द गुड्स, राइट। तो वो कभी भी हायरर कभी भी जो भी चीज उसे दी गई है, ही कैन नॉट ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द थर्ड पार्टी एज ही इज नॉट द ओनर। वो मालिक नहीं है तो वो कैसे बेच सकता है। माल कौन बेच सकता है सर, जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है कि माल वही बेच सकता है जो मालिक है। तो हायरर तो मालिक है नहीं, हायर परचेस एग्रीमेंट में मालिक कौन है सर, सेलर, हायर ही। ओनली सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स और वी कैन से रीसेल द गुड्स इन हायर परचेस एग्रीमेंट। तो हायरर अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो सामने वाले को डिफेक्टिव टाइटल देने की कोशिश कर रहा है, गुड टाइटल देने की कोशिश नहीं कर रहा है। एप्लीकेबल लॉ, कौन सा लॉ लागू होता है सेल के लिए, कौन सा लॉ यूज होता है, यानी सेल अगर आप करते हैं तो आपको कौन सा एक्ट फॉलो करना होगा सर। सेल इट इज गवर्न्ड और वी कैन से इट इज रेगुलेटेड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उनको ये एक्ट लागू पड़ता है। अगर आप हायर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको कौन सा लॉ फॉलो करना होगा, कौन सा एक्ट फॉलो करना होगा सर। इट इज गवर्न्ड बाय, इट इज रेगुलेटेड बाय हायर परचेज एक्ट 1972। यानी दोनों टॉपिक के अलग अलग एक्ट है। हायर परचेज एग्रीमेंट जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक नहीं है, इसीलिए ये हमने यहाँ समझने की कोशिश की है कि सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में डिफरेंसेस है। हाँ सर, 100% डिफरेंसेस है, बहुत बड़ा डिफरेंस वो हमने देखा, 60 डिफरेंसेस देख लिया अभी हमने, और भी है आगे। बात आती है इंस्टॉलमेंट्स में, सेल्स में कोई इंस्टॉलमेंट जैसी बात होती नहीं। पहली बात, सेल्स में इंस्टॉलमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं, फिर भी पार्ट पेमेंट किया जा सकता है, पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। पार्ट पेमेंट और इंस्टॉलमेंट में फर्क है, ये माइंड में रखना आप, ठीक है। पार्ट पेमेंट भी डिपेंड करता है, दोनों पार्टी रेडी होने चाहिए, बायर एंड सेलर का कंसेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज रिगार्डेड एज पार्ट पेमेंट ऑफ द प्राइस। सेल्स में भी इंस्टॉलमेंट आ सकता है, लेकिन वो दोनों पार्टी डिसाइड करेंगे तो, और ये इंस्टॉलमेंट्स इतने नहीं होंगे जितने हायर परचेस एग्रीमेंट में होते हैं। मान लीजिए सेल करते वक्त 2 लाख की पेमेंट देनी है, ठीक है। एक सेल्स ट्रांजेक्शन में मान लीजिए बायर ने सेलर को 2 लाख की पेमेंट देनी है, तो बायर कहता है एक काम कीजिए, ये 50,000 आप एडवांस रखिए, बाकी के 1.5 लाख मैं आपको कल दे दूंगा या 2 दिन में दे दूंगा, ठीक है, या 1 हफ्ते में दे दूंगा, चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट भी फिक्स होंगे, पहले 50,000 दिए बाद में 1.5 लाख दिए, या पहले 1 लाख दिया बाद में 1 लाख दिया, या पहले 1.5 लाख दिया बाद में 50,000 दिया, इस तरीके से भी हो सकता है। सो यहाँ कोई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगे और यहाँ कुछ मंथली बातें नहीं होंगी। यहाँ कैसी बातें होंगी सर, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप पेमेंट करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कोशिश करेंगे जितना जल्दी पेमेंट कर देंगे सर आप।
जबकि हायर परचेस एग्रीमेंट की तो अरेंजमेंट ही अलग है। ठीक है, ये एक ऐसी अरेंजमेंट में सर, यहाँ जो इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हैं, इट इज रिगार्डेड एज द हायर चार्जेस। यहाँ आप जो पे कर रहे हो कीमत है, प्राइस है, पेमेंट ऑफ प्राइस कर रहे हैं। यहाँ जो आप पेमेंट कर रहे हो किस चीज की, सर आप भाड़ा दे रहे हैं एक तरीके से फॉर द यूज ऑफ द एसेट। आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं उसका आप भाड़ा दे रहे हैं, दैट इज हायर परचेज एग्रीमेंट। हाउएवर इफ द हायरर एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द गुड्स देन ईच इंस्टॉलमेंट, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है फिर हम कह सकते हैं कि भाई आपने पेमेंट ऑफ प्राइस किया है। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आप चीज परचेज करना चाहते हैं तो आपके सारे इंस्टॉलमेंट दिया देन देन एंड देन ओनली इट इज कंसिडर एज पेमेंट ऑफ प्राइस मेड बाय यू, तब ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। नहीं तो हम क्या मानेंगे, उपयोग करने के बाद अगर आप रिटर्न करने वाले हैं तो वो हायर चार्जेस, सारे इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करे हैं, इट इज नॉट द प्राइस, इट इज द हायर चार्जेस, इट इज द रेंट फॉर द यूज ऑफ द गुड्स। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखा है, एग्जाम्पल वैसे हमने चर्चा की है वही है, फिर भी एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं शॉर्ट में। एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई टू बाय 300 क्विंटल्स ऑफ पोटेटोस फ्रॉम वाईस कोल्ड स्टोरेज फॉर ₹9,000। एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 300 क्विंटल्स ऑफ पोटेटोस फ्रॉम वाईस कोल्ड स्टोरेज। एक्स और वाई पहले कौन है वो समझना पड़ेगा। एक्स जो है खरीदने की बात कर रहा है, यानी एक्स हो गया बायर हो गया, 300 क्विंटल पोटेटोस खरीदने की बात कर रहा है। किससे खरीदेगा, सेलर कौन है, सर वाई सेलर है। सेलर का एक कोल्ड स्टोरेज है, समझ लीजिए कोल्ड स्टोरेज, पोटेटोस को वहाँ स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज में पोटेटोस को स्टोर करके रखता है। इट शेल अमाउंट टू अ सेल इफ द सेलर ऑथोराइज एक्स टू कम टू इज कोल्ड स्टोरेज एंड टेक अवे द पोटेटोस वेन एवर ही डिजायर। ही मीन्स एक्स, एक्स मीन्स बायर। तो वाई का कोल्ड स्टोरेज है, अब वाई यानी कि सेलर, सेलर पर डिपेंड करता है कि ये सेल तब बनेगा जब सेलर ऑथोरिटी देगा बायर को, आपका ही गोडाउन है, आपको जब चाहिए तब, आप जितने जो अमाउंट या अमाउंट और क्वांटिटी डिसाइड की गई, आप जब चाहें तब उतनी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अगर ये परमिशन ऑथोरिटी सेलर दे देता है टू द बायर, इट इज टर्म्ड एज सेल्स, इसे सेल्स कहा जाएगा। ठीक है, सेलर एग्री करना चाहिए और ऑथोराइज ऑथोरिटी मिलनी चाहिए बायर को भी कि वो जब चाहे तब डिलीवरी भी ले सकता है। यहाँ इतनी एग्री हो जाए बातें, क्वांटिटी, अमाउंट, क्या खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, क्या प्राइस पे करनी है, ये सब डिसाइड हो जाए तो वहाँ सेल्स हो चुका है। अब एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा सर, पी अ शॉपकीपर डिलीवर्ड अ बाइक टू आर, दे एग्रीड दैट आर विल पे ₹5,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। पी अ शॉपकीपर डिलीवर्ड अ बाइक टू आर, पी शॉपकीपर यानी पी जो है ओनर हो गया, सेलर हो गया, आर कौन है, हायर है, हायर है यानी बायर, और बायर क्या एग्री कर रहा है हर महीने की फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट डेट को मैं 5,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए रेडी हूँ। वैसे 12 इंस्टॉलमेंट्स फिक्स किए गए। आफ्टर मेकिंग ऑल पेमेंट्स रेगुलरली फॉर 12 मंथ्स, ही मीन्स आर, आर मीन्स बायर, बायर विल बिकम द ओनर ऑफ द बाइक। 12 इंस्टॉलमेंट्स पे किए, आर ओनर बन जाएगा बाइक का। He was also agreed that R may return the bike at any time and stop the payment for further installments. Option उसके पास ये भी था, अगर बीच में चाहे तो बाइक को रिटर्न करना चाहे तो कर सकता है, पेमेंट स्टॉप अगर रिटर्न कर देता है तो फर्दर पेमेंट भी नहीं करनी इंस्टॉलमेंट्स, ये कंपलसरी नहीं कि उसको सारे इंस्टॉलमेंट्स पे ही करने हैं। अगर वो सच में बाइक खरीदना चाहता है तो सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने होंगे, फिर उसको बाइक की ओनरशिप ट्रांसफर एक तो नहीं है, यानी उस पर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो कैपेबल है तो सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा, सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा तो वो चीज़ उसकी फ्यूचर में होगी, ओनरशिप उसकी होगी, पोजीशन तो ही उसके पास। तो ये अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे सर, हायर परचेस एग्रीमेंट की अरेंजमेंट कहेंगे सर। सेल के अंदर प्राइस ऑन द स्पॉट पे की है कि नहीं है, ये इमटीरियल है। ऑन द स्पॉट आपको पोजीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी इमटीरियल है। आपको अथॉरिटी मिल गई, आप एक्स को, यानी कि जो एक्स जो है, एक्स जो बायर है सर, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जब चाहे तब 300 क्विंटल्स ऑफ पोटेटोस अपने पास ले सकता है, अपने पोजीशन में ले सकता है, उसे अथॉरिटी मिल गई। आप तुरंत लीजिए या 2 दिन बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
पोजीशन और प्राइस इन मटेरियल है, मैंने आगे भी 5 बार बोला है सेल्स के अंदर, तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होनी चाहिए। स्टॉक में पड़ा है माल, आपको तुरंत ओनरशिप भी मिल रही है और पोजीशन चाहे तो अभी आपको मिल सकती है, लेकिन आप पोजीशन अभी नहीं लेते।